हेलो, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ये बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर वीडियो अपडेट आप देखें सबसे पहले। जितना हो सके समर्थ हो रहा है हम लोगों से, हम पूरा टीम भाई बहन जो भी है हम लोग फंड निकाल करके हम लोग ये कार्य कर रहे हैं, तो आगे के दिन भी हम लोग कोशिश रहेगा। ऐसे तो अभी बारिश के वजह से थोड़ी हमारी बहनें जो भी हो तो ये हो गया है, अभी फिर भी शिव जी के भगवान शिव जी से इतना मतलब उपकार किया, इतना बारिश होने के बावजूद भी हमारे जितने भी गुरु बहने सबको सबको धन्यवाद, सबको प्रणाम, और आगे भी कोशिश करेंगे कि ये कंटिन्यू होता रहे, महीने में दो महीने में कहीं भी हर एरिया में हम लोग का करने का इच्छा है। जिस एरिया में जाना है जहाँ हमारे बहने रिक्वायरमेंट करेगी हमारे एरिया में करो, हम उस एरिया में जाके करेंगे। बाकी आप लोग का आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए, ये हमारे अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर जी और हम और हमारे पूरा टीम इस काम में हम लोग लगे हुए हैं। तो जो लोग काम कीजिए वो हाथ उठ जाइए दीदी, जो भी दीदी आज मैं ऐसे गाऊंगी, इस सुमारी बाजार के अंतर्गत सभी भाई बहन उपस्थित ना उपस्थित सभी से मैं गुजारिश करता हूँ। आप बड़े चर्चे में जाएंगे तो समझ में आएगी, आप बड़े चर्चे में आप लोग जाएंगे।
होना बंद हो रहा है। ऐसी स्थिति देखने पर हमें आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि कहीं न कहीं हमारे घर हिंदू जब भी अकेला हुआ है कमजोर हुआ है, इसलिए हमको अभी अकेले होने की जरूरत नहीं है और हमें सांकेतिक कार्य करना है। हमें कोई भी दंगा फसाद नहीं करना है, हमें किसी को रोकने नहीं जाना है। तो जरूरी नहीं है कि नमस्कार, ये वर्ल्ड इंडिया समाचार। देखिए आज यहाँ शिव चर्चा का प्रोग्राम रखा गया, पूजा
और ये है धानोबाग तालाब के पास। पहले तो मैं सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। जय माता दी, हरणा दी। ये हमारा सर्व समाज चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा हम लोग हर बार धर्म कर्म करते रहते हैं। इस बार जो अभी लगाया गया तो बारिश को देखते हुए हम लोगों ने अंदाजा लगाया था कि बारिश में हो सकता है, लेकिन फिर भी सोचा नहीं, हमारे जो गुरु बहने हैं उनके रिक्वायरमेंट था कि नहीं, जो भी हो हफ्ते 15 दिन में यह होना चाहिए। इसलिए फिर भी इतना बारिश होने के बावजूद भी हमारी बहनें, हमारे गुरु बहनें, हमारे गुरु भाई सब लोग यहाँ पे आए और अपना योगदान दे रहे हैं। सब लोग अभी अपने भक्ति में मिलीन है। इससे पहले धानीबाग तालाब के सबचंद बहुत बड़ा महायज्ञ रखते थे हम लोग 9 दिन तक, और वहाँ पे काफ़ी भीड़ जुटी थी। 20 से 25 हज़ार माँ बहनें आई थी वहाँ पे। उससे उत्साहित होकर के फिर हमने ये दूसरा प्रोग्राम फिर पंचमुखी हनुमान जी मंदिर के पास रखे थे, फिर ये दूसरा हम लोगों ने ये शिव चर्चा प्रोग्राम रखे। बहुत अच्छी बात, इतना मालूम है कि हमारा सनातन धर्म आगे जाए, इसको आगे ले जाने के लिए हम लोगों से जो भी बन पड़ेगा उसके लिए हम तैयार हैं। बहुत अच्छा। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड इंडिया समाचार से। ये देखिए हमारे सामने प्रदीप जी खड़े हैं, प्रदीप ठाकुर। तो और इन्होंने जो आज शंकर भगवान का शिव चर्चा रखा गया है बहुत, तो कुछ सवाल हमारे प्रदीप जी से करेंगे कि आपने इतना मेहनत किया, आपके टीम ने किया है, जो भी किया है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि बारिश भी हो रही है लेकिन इसके बावजूद भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी भक्त आ रहे हैं। देखिए ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे आस्था से जुड़े हुए लोग अभी भी अब जाग रहे हैं, सोए हिंदू जाग रहे हैं। और मैं ये प्रेरणा करूंगा हमेशा कि हमारे हिंदू भाई एक होकर के एक मंडप के पीछे, चाहे किसी भी बिरादरी से हो, मुझे बिरादरी से कोई अपेक्षा नहीं है, हमें एक होकर के हमें हर प्रोग्राम को अटेंड करना है। युगो युगांतर तक हम चाहेंगे सत्य सनातन जिंदाबाद रहे हमारा। लोग आज बाबाओं को मान रहे हैं जो आज मठ खोल के बैठ गए, बहुत सारे नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, तो आपको क्या लग रहा है पब्लिक वो जो कर रही है वो सही कर रही है? नहीं, बाबाओं को नहीं मानना चाहिए। असल में शिव क्या है, शिव ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है। वो लोग भगवान नहीं है, भगवान उनके अंदर है, मगर वो उस चीज का पब्लिक प्लेस में या मठ मंदिर में उस चीज का गलत फायदा उठाते हैं, उसके वजह से हमारा सनातन धर्म लज्जित होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन बाबाओं से हमको सदा ही दूर रहना चाहिए और एक अच्छे मार्गदर्शन के नेतृत्व में हमको अपने आराध्य को याद करना चाहिए। बिल्कुल। जय श्री राम। रीजन नहीं काम कर रिजाम को आएगा और अभी मैं फोन लगाया था ना इधर का लाइन में कासर पे देखे छोड़ चलो अभी आजू बाजू के लिए रहेगा तो मैं तो सर्वप्रथम आपको धन्यवाद कहता हूँ आप यहाँ आके लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। मैं सर्वोत्तम चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जो शिव चर्चा आयोजित किया है, मैं तो ट्रस्ट के सभी मेंबर को शुभेच्छा देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने ये धार्मिक काम शिव चर्चा का आयोजन यहाँ पर किया है, इसलिए उनको शुभेच्छा देता हूँ। ऐसे धार्मिक काम के लिए सभी हिंदू धर्म के लोग एक साथ आते हैं और ऐसे काम हर संस्था के मार्फत से किया जाता है, लेकिन ये संस्था ने आज जो यहाँ प्रोग्राम रखा है इसके लिए उस प्रोग्राम की उनकी शुभेच्छा देता हूँ। सच को आगे बढ़ाए, कोई भेदभाव नहीं चाहे अपने में, आप मिलजुल के काम करेंगे तो अच्छा काम होता है, एकजुट से अपन चलेंगे तो अपना सभी जो अपन काम हाथ में देते हो सफल होता है, और जो संस्था है जो काम करती है उनको भी हेल्प करेंगे तो उनको भी आगे प्रोत्साहन मिलता है कि आगे हम कुछ काम कर सके समाज के लिए। जहाँ तक कि आपने बात कहा कि शिव चर्चा
शिव ही सबसे बड़ा नाम आपके अंदर है, शिव अंत से लेकर अनंत तक है, धर्म क्या है ये समझाने का सबसे परिपक्व जो साधन है हमारे पास वो महिला सशक्तिकरण है, क्योंकि हम लोग 21st सेंचुरी से 22nd सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, भगवान को भूल चुके हैं, कहीं लुप्त नहीं हुआ है, हर जगह पे है, और आज 70 साल बाद हम सनातन को फिर से जागरूक करने के लिए हमारे अंदर ताकत आई है और महिलाओं के साथ हम लोग ये शुरुआत कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी शुरुआत नहीं, ये आगाज है सभी लोगों के लिए कि ये हिंदुस्तान पहले की तरह ही सभी की चिड़िया था और आज भी है, कल भी रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हिंदुस्तान और भारत को लेकर जो विवाद हो रहा है ये विवाद नहीं है, ये तुष्टिकरण की राजनीति है। ठीक है, हम उससे बहुत ज़्यादा ऊपर उठ चुके हैं, आज धर्म के नाम पे कुछ भी बचा नहीं हमारे पास, जो राम मंदिर को मस्जिद को लेकर रहते थे वो सारी चीज़ें पूरे गई, जब 300 तक का धारा हम हटा सकते हैं तो धर्म के नाम पर लड़ने के लिए हमारे पास कोई बचा नहीं है, और सनातन धर्म जब तक हम हैं तब तक सनातन हमेशा रहेगा, और सनातन धर्म के साथ हम दूसरे दिन के धर्म का भी सम्मान करते हैं लेकिन अपने धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए भारत में हर धर्म का और हर वर्ग के लोगों का सम्मान होता है और उसका चला है। आप लोग शांत रहिए, दो शब्द बोलना चाहते हैं हमारे यहाँ के किया गया, ऐसे ही प्रोग्राम माता और बहने हमेशा अपने काम में बिजी रहती है, अपने घर में बिजी रहती है, बाहर निकल कर समाज के लिए और समाज के साथ जो कार्य कर रही है ये शक्ति नारी शक्ति ही, हम नारी शक्ति से ही है और नारी शक्ति के अलावा हम लोग कुछ भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखते हुए हमको नारी शक्ति का हमेशा सम्मान देना चाहिए क्योंकि नारी से ही हम सभी थोड़े हैं, और अब नारी अर्धनारीश्वर को कहा जाता है शुभ भगवान और नकेश्वर कर इस प्रोग्राम की सबकी सुरक्षा देता हूँ। धर्म का जो हमारा प्रचार है कभी भूलेगा नहीं, और सभी वर्गों से मैं यही कहूँगा कि हम उनके पहले थे और पहले ही रहेंगे, और ज्यादा ना करके कर सकते मैं उनकी बारी को विराम देता हूँ। जय महाकाल। जय हमने शिव को देव बनाया है, शिव बहुत समय से जब ये दुनिया नहीं थी तब से शिव गुरु है और शिव आज भी गुरु है, हमने सबने शिव को गुरु बनाया है, इसके लिए ये शिव चर्चा का प्रोग्राम रखा गया है ताकि जो शिव से शिव का शिष्य नहीं बने हैं वो भी शिव को गुरु बनाए और शिव के गुरु बना के उनसे आशीर्वाद पाए, दया पाए। गुरु इसलिए हम लोग बनाए हैं भैया, हम लोग बहुत तकलीफ में थे, जब से शिव का गुरु बनाए हैं तब से गुरु बहुत उद्धार किए हैं। श्री राम दीदी हरिंदर भैया उतना ज्ञान दिया है सो का मेरे सो का पास और क्या होने के चाहिए। सर्व समाज सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आज का शिव चर्चा रखा गया था। शिव चर्चा आदि गुरु है, कालों का काल है, आदि भी है और अनंत भी है। से हमारे हरेंद्र भैया ने भगवान शिव को गुरु बनाया, नीलम दीदी को नीलम दीदी ने बनाया, हम लोग को आगे बढ़ाया, रास्ता दिखाया।
I'm gonna go to the hospital.